आपने देखा भाई, गिलास बिल्कुल भी उतना नहीं हिला है जितना भी हिलना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आया, ये आपको सामने दिख रहा होगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। इस वीडियो के टाइटल को और थंबनेल को देख के थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया हो कि एक वीडियो होने वाली है आज हमारी पल्सर N160 से रिलेटेड, और वो होने वाली है भाई वाइब्रेशन टेस्ट। क्योंकि भाई वाइब्रेशन टेस्ट भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, कमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो भाई बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि वाइब्रेशन टेस्ट बनाओ, बाइक में वाइब्रेशन आता है कि नहीं आता। और वाइब्रेशन से भाई सबसे बड़ी बात है कि बाइक वाइब्रेट कब करती है, जब ज़्यादा स्पीड पर होती है, और वाइब्रेशन से क्या फील होता है, आपको थोड़ा बबलिंग फील होती है, नहीं फील होती। बट आज हम करने वाले इसका वाइब्रेशन टेस्ट किसी अलग तरीके से, और बाद में दिखाएंगे कि भाई देखो राइड में, मैं बताऊँ राइड में ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं अभी तक, लेकिन जो वाइब्रेशन टेस्ट है ना वो हम इसका खड़े करके बनाएंगे, कितना रैप करने पे कितना वाइब्रेट होती है, और उसका इसका जो इलाज है ना वो ये है भाई, ये आपको दिख रहा है एक गिलास पानी। लेकिन आज हम इसका वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर इसको ना टैंक के ऊपर रख के स्टार्ट करके दिखाएंगे, फिर हल्की हल्की रेस बढ़ाएंगे तो पानी में कितना ज़्यादा वाइब्रेशन आता है कितना नहीं आता है, ये आपने अभी तक देखा नहीं होगा यूट्यूब पर। अगर देखा हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और भाई वीडियो को शुरू करने से पहले भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, आपको आइडिया हो जाएगा। और जो लोग पल्सर N160 2023-2024 में खरीदने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये सब क्लियर हो जाएगी भाई, वाइब्रेशंस हैं बाइक में नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सो भाई आप देख सकते हो इस तरीके से भाई हमने अपने ग्लास को ना रख दिया अपनी बाइक के टैंक के ऊपर। बाइक के टैंक के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि भाई जब बाइक क्या कहते हैं हमारा बाइक वाइब्रेट करेगी ना तो ग्लास भी वाइब्रेट कर रहा है। ग्लास बिल्कुल हल्के वाला है, पानी में वाइब्रेशन बहुत ही अच्छे से पता चलती है, ये आप सभी को पता ही होगा। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी बाइक को। भाई ये देखो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, और पानी देखो भाई कितना वाइब्रेट कर रहा है अभी। अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप कितना वाइब्रेट कर रहा है अभी। नॉर्मली वाइब्रेशन है, अगर मैं इसको रैप करूँगा तो आई होप कि गिर सकता है, गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब भाई बाइक को ना रैप करते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे। आपने देखा भाई, गिलास बिल्कुल भी उतना नहीं हिला है जितना भी हिलना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आया, ये आपको सामने दिख रहा होगा वाइब्रेशंस के मुकाबले में कैसा है। और रैप भी जो हमने किया है ना, आरपीएम लिमिट देखो, मैं आपको आरपीएम लिमिट दिखाता हूँ दूर से, ये देखो। तो आप ये देख रहे हो भाई आरपीएम लिमिट भी लिमिटर तक जा चुकी है, लिमिटर तक जाने के बाद भी ना ग्लास में जरा सा भी हिला नहीं है, ये होता है भाई असली वाइब्रेशन टेस्ट जैसा कि आपको दिखा है। और मैं आपको एक दो बार और रैप करके दिखा सकता हूँ, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि गिलास ना टस से मस नहीं हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। और पल्सर N160 में भाई वाइब्रेशंस ना मतलब ना के बराबर है, क्योंकि जब हम बाइक चलाएंगे ना तो मैक्सिमम इस आरपीएम तक चलाएंगे, आप देखो इतने आरपीएम तक हम चलाते हैं भाई, देखो 700-7000 इतने आरपीएम तक चलाएंगे। और बाइक देखो ग्लास ग्लास में देखो, ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है पल्सर N160 में, आप ये चेक कर सकते हो और आपको इससे आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कि भाई वाइब्रेशंस एक्चुअल में कितनी है और कितनी नहीं है। थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं तो जब हमारे टायर में फ्रिक्शंस होता है, टायर घूमते हैं, गड्ढे में आते हैं, इधर उधर लाइनिंग में पड़ते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट अलग होता है। लेकिन अभी ये जो स्टेबल वाइब्रेशन टेस्ट मैंने बनाया इस वीडियो इसका कि स्टेबिलिटी के मामले में कैसा इसका वाइब्रेशंस है और कैसा ये परफॉर्म करती है ऑन रोड। बट मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज के टाइम पर, क्योंकि इस सेगमेंट में इतनी ज़्यादा फीचरिस्टिक बाइक आपको नहीं मिल सकती, सबसे बड़ी बात ये है। सो भाई अब हमने यहाँ से हटा के अब इस ग्लास को रख दिया भाई सीट पे, क्योंकि सीट थोड़ा सा और वाइब्रेट करेगी तो उससे भी आइडिया हो जाएगा। तो चलो अब आइडियल कंडीशन में स्टार्ट करते हैं। आप देखो अभी नॉर्मल है विदाउट रैप, आप चेक कर सकते हो, पानी में चेक करो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। अब करते भाई 5000 आरपीएम पे स्टार्ट। अब आप आरपीएम के मीटर को देखो, पानी देखो भाई, पूरा रैप करता हूँ। ये देख लो भाई आपको यहाँ से भी इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, बट यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हल्की सी ज़्यादा वाइब्रेशन मेरे को लगी पानी के हिसाब से।
अब करते हैं भाई इसको टॉप सीट इसके रियर सेक्शन पे, कि रियर सेक्शन पे क्या है भाई। रियर सेक्शन की सीट थोड़ी मेरी ज़्यादा मोटी है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा करवा रखी है, लेकिन ये हटवाने वाला हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। अभी आइडियल कंडीशन में आप देख सकते हो विदाउट रैप के, कि ये पानी की देखो भाई कितना हिल रहा है, क्योंकि बाइक थोड़ा सा वाइब्रेट करती है नॉर्मल से। अब मैं इसको 5000 RPM तक ले जाता हूँ, ये चेक करो भाई आप पानी कितना हिल रहा है। अब मैं इसको फुल करता हूँ, मतलब जितनी ज़्यादा RPM पे लेके जा रहा हूँ उतना ज़्यादा जो ये वाइब्रेशन है ना वो कम होती जा रही है, वो आपको ग्लास में दिख ही रहा होगा। देखो नॉर्मल में इतना दिख रहा था, और अभी भी रैप करूँगा ना तो अभी भी रैप देखो, देख रहे हो स्टेबल कितना हो रहा है। जैसे ही इसको इस पे लाता हूँ ना स्टेबल हो जाता है, मतलब हाई रैप पे लाता हूँ, तो आपको इस वाले पे भी दिखा दिया, इधर भी दिखा दिया, अब इधर भी दिखा दिया। तो वाइब्रेशंस का तो भाई ये है, और एक चीज़ और रह गई, एक मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे भी रखना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे टिकेगा गिलास। देखो भाई यहाँ पे भी रख दिया है, अगर मैं इसको गिराऊंगा तो आई होप कि गिर जाएगा। आ रहा है धीरे धीरे, नीचे आ रहा है, तो यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे भी है, टिल्ट भी है, इसका हैंडल स्पोर्टी टाइप का है। तो भाई आपने देख ही लिया है तीनों जगह वाइब्रेशन टेस्ट कर दिया है। कोई डाउट हो तो क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताओ मेरे को। और वाइब्रेशन हमने भाई आपको करके दिखा दिया, बाइक को करते हैं बंद। तो भाई जैसा आपने वीडियो में देखा, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा था इसकी, क्योंकि एक ये सिंपल सा स्टेबल टेस्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा मैक्सिमम हम दिखा नहीं सकते। स्टेबिलिटी के मामले में बहुत ही अच्छी बाइक है, रिलायबल है, इन बजट है। और वाइब्रेशन जो भाई ने कमेंट किया था, भाई वाइब्रेशन कैसा है बाइक में, वाइब्रेशन भाई मेरे हिसाब से तो आपने वीडियो में चेक कर लिया होगा तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं आई थिंक, तो ये आपको पता कर सकते हैं कि वाइब्रेशन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई। मैं 1000 RPM तक भी रैप किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गिलास अपनी जगह से हिला नहीं, ये आपने वीडियो में देख ही लिया है। और रही बात जब हम ऑन गोइंग जब बाइक को चलाते हैं, बाइक रन करते हैं, ऑन गोइंग ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते टाइम कितना वाइब्रेशन आता है भाई। मैं चलाता हूँ बहुत ही पीसफुली अपनी बाइक को, क्योंकि मैं करता हूँ भाई अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार। और सबसे अच्छी बात है कि मैं बहुत पीसफुली चलाता हूँ 70, 80, 90, और जहाँ लगता है कि बहुत खाली रोड है भगानी चाहिए, या फिर कोई ट्रैक कर रहे हैं या कोई ड्रैग रेस कर रहे हैं, तब भाई मैं भगाता हूँ इसको 120, जितने भी मैक्सिमम स्पीड ट्राई करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। लेकिन उस कंडीशन में भी भाई डिपेंड करता है कि आपका रोड कैसा है, और रोड के बीच में जो लाइंस होती हैं या डिवाइडर, जो वाइट कलर का पेंटेड डिवाइडर होता है उसके ऊपर अगर चलते हैं तो थोड़ा बहुत शफलिंग करते हैं, क्योंकि रोड का जो बैलेंस है ना, टायर का बैलेंस, वो सही होना चाहिए वाइब्रेशंस के लिए। वैसी कोई वाइब्रेशंस नहीं आती। अगर मैं प्लेन रोड की बात करूं तो अभी तक मेरे को कोई भी वाइब्रेशन ऐसा फील नहीं हुआ है। मैं इसमें फ़ोन लगा के चलाता हूं, 120 की स्पीड पर चलाता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई ये था इस वीडियो में, और आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैंने कोई गलत बताया हो तो भाई उसको भी आप सही कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कमेंट पे, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को DM कर सकते हैं। कोई क्वेरी है या इस बाइक से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो आप मेरे को DM करो भाई। लास्ट यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स में, कुछ मोटो ब्लॉग्स में, और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। आपको आने वाले दिनों में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बाइक से रिलेटेड, अदर बाइक से रिलेटेड भी, और अपनी बाइक तो है ही भाई, इसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास यही है। तो भाई आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो भाई आपको पता ही है आपको करना है वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और एक प्यारा सा फीडबैक, और एक सब्सक्राइब आप लोगों की तरफ से। तो चलते भाई, इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड।